हेलो फ्रेंड्स, माय पीसी सपोर्ट चैनल में आपका वेलकम करता हूं। आज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कैनन इमेज रनर फोटोकॉपियर मशीन में स्कैन टू ईमेल कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास कैनन IR3225 प्रिंटर है और इसमें डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेंगे और स्कैन डॉक्यूमेंट्स को सेंड करेंगे जीमेल अकाउंट में। तो इस कैनन IR प्रिंटर को मैंने वाईफाई राउटर से कनेक्ट किया है इथरनेट केबल के थ्रू और मेरे पास एक विंडो 7 पीसी है जो सेम वाईफाई राउटर से कनेक्टेड है इथरनेट केबल की हेल्प से। तो इस प्रिंटर का आईपी एड्रेस है 10.10.0.198। तो सबसे पहले इस प्रिंटर की कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा और यहाँ पर प्रिंटर के आईपी एड्रेस को पिंग करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं रिप्लाई आ रहा है, मीन्स प्रॉपर कनेक्टिविटी है। तो चलिए इसके वेब इंटरफेस को लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रोम को ओपन करता हूँ और यहाँ पर टाइप करते हैं आईपी एड्रेस प्रिंटर का। तो ये है वेब इंटरफेस। तो यहाँ पर एडिशनल फंक्शंस, कस्टम सेटिंग्स। तो सबसे पहले आईपी सेटिंग चेक करेंगे। तो यहाँ पर आईपी एड्रेस सेटिंग्स, तो ये है आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे एक्चुअली आईपी एड्रेस होता है राउटर का। और इसके बाद डीएनएस सेटिंग भी चेक कर लेते हैं। तो ये है डीएनएस सर्वर एड्रेस। मेक श्योर प्रिंटर में डिफ़ॉल्ट गेटवे और डीएनएस एड्रेस होना चाहिए। इससे क्या होगा कि प्रिंटर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर अगेन कस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाउन आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है ईमेल, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जीमेल अकाउंट की सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले एसएमटीपी सर्वर जीमेल अकाउंट का और इसके बाद ईमेल एड्रेस और यहाँ पर डाउन आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है अलाउ एसएसएल, तो इसको टिक करेंगे और इसके बाद यूज़ एसएमटीपी ऑथेंटिकेशन, तो इसको भी टिक करेंगे और यहाँ पर यूज़र में जीमेल अकाउंट टाइप करेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर पासवर्ड जीमेल अकाउंट का, ओके। और इसके बाद ईमेल कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर एड्रेस, एड्रेस बुक 01, रजिस्टर न्यू एड्रेस और यहाँ पर टाइप में ईमेल रहेगा और एड्रेस नेम और ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी टाइप करेंगे जिसमें हमें स्कैन डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना है। तो यहाँ पर मैं सेम ईमेल आईडी टाइप करूँगा जीमेल की, ओके। और यहाँ पर हम और भी ईमेल कॉन्टैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स प्रिंटर के टच पैनल से भी कर सकते हैं लेकिन वेब इंटरफेस से इजी रहता है। और इसके अलावा जीमेल अकाउंट में एक सेटिंग होती है तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं साइन इन कर लेता हूँ जीमेल अकाउंट से। तो मेरे पास ये लिंक है तो इस लिंक को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है अलाउ लेस सिक्योर एप्स, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है तो इसको हमें ऑन करना होता है। अगर ये ऑफ रहेगा तो स्कैन टू ईमेल का फीचर यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो मेक श्योर ये ऑन रहना चाहिए। तो चलिए प्रिंटर में चलते हैं और प्रिंटर के टच पैनल से ये सारी सेटिंग्स चेक कर लेते हैं।
और इसके अलावा SMTP पोर्ट होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटर में SMTP पोर्ट 25 होता है, तो इसको हमें चेंज करना होता है क्योंकि हम इसमें जीमेल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। तो जीमेल अकाउंट के लिए SMTP पोर्ट 587 होता है। तो SMTP पोर्ट चेंज करने के लिए कैनन IR प्रिंटर को सर्विस मोड में लाना होता है। तो इसके लिए कम्बिनेशन ऑफ कीज़ प्रेस करते हैं। तो चलिए प्रिंटर में चलते हैं और SMTP पोर्ट चेंज करते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो गई है। तो चलिए प्रिंटर में चलते हैं और डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल्स, और ये है स्कैन डॉक्यूमेंट एज ए अटैचमेंट। तो इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट लाइन है अटैच्ड इमेज, और ये है स्कैन डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में। ये देखिए, और सेकेंड ईमेल भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए सेम। और ये ईमेल रिसीव हुआ है जीमेल से, आप ये देख सकते हैं सेम जीमेल आईडी को। तो इस तरीके से स्कैन टू ईमेल का फीचर यूज़ करते हैं कैनन IR प्रिंटर में। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। थैंक यू।